नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो हमारे रेगुलर कंटेंट से थोड़ी अलग होने वाली है। ये एक जर्नी वीडियो है। कुछ दिन पहले हमने हमारे चैनल पर नवी मुंबई महानगर पालिका परिवहन उपक्रम के JBM इकोलाइफ E12 इस इलेक्ट्रिक बस का रिव्यू किया था, और उसमें हमने बताया था कि हम इसका एक जर्नी रिव्यू भी करेंगे, जो मेरे घर से होते हुए वाशी रेलवे स्टेशन तक इनका जो एक रूट है वो जर्नी हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं दोस्तों। तो आइए ये रूट कवर करते हैं, जो ठाणे शहर के लोकमान्य नगर से लेकर नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन तक होने वाला है। काफी लंबा रूट है और इस जर्नी में मेरा साथ दे रहा है मेरा दोस्त अतुल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। कुछ दिनों पहले आपने हमारे चैनल पर JBM इकोलाइफ E12 का रिव्यू देखा होगा, जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि जर्नी रिव्यू भी दिखाओ। तो आज है शनिवार एंड आज मैं और अतुल निकले हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप इनको जानते होंगे, हमारी टाटा एस की वीडियो पुरानी, महिंद्रा फ्यूरियो की फर्स्ट वीडियो लॉन्च के बाद, एंड जाइलो के स्केल मॉडल के अनबॉक्सिंग, ऐसी कई सारी वीडियोज़ ने अपने भाई को देखा होगा। फाइनली भाई को 3 साल बाद टाइम मिला है रिव्यू वीडियो जर्नी वीडियो में आने का। तो हमारा वाशी में कुछ काम भी था। एक्चुअली ये मेरा डेली ऑफिस का रूट है, लेकिन हमेशा मैं बाइक से जाता हूँ, कभी कभार इस बस से गया हूँ। तो फाइनली ये रूट हम आपके लिए आज कवर कर रहे हैं, जिसमें जितने भी स्टॉप्स होंगे मैं आपको दिखाऊंगा बस में बैठने के बाद, एंड वाशी पहुंचने के बाद मैं आपको इसका फाइनल बताऊंगा कि इसका रेट क्या है, जर्नी टाइम कितना था। लोकमान्य नगर जो ठाणे में स्थित है, एंड जो हम जाम जा रहे हैं जो डेस्टिनेशन है वो वाशी में है। तो भाई आपको कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं यार, बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने टाइम बाद वीडियो में फीचर कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, अपने जर्नी के लिए भी एक्साइटेड हूँ, इलेक्ट्रिक बस में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। यस, आई होप इट्स गोइंग टू बी गुड। इंडीड, एंड नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बढ़िया कदम है, जो हमारे जैसे ट्रैवलर्स है, जो मतलब वाशी पहुंचने के लिए आपके पास बहुत जरिए है। आप बस से जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, या ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन जिनको बस से जाना है, बीच में कहीं उतरना है, बहुत सारे स्टॉप्स जो इस बस के हैं, तो उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है। नॉमिनल रेट में आप एसी बस में, इलेक्ट्रिक एसी बस में आप वाशी पहुंच सकते हैं। तो आइए जर्नी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, बस के अंदर हम बैठ गए हैं। लोकमान्य नगर ठाणे टू वाशी रेलवे स्टेशन जो है, ये बस का प्राइमरी रूट होने वाला है। अब इस रूट में वेरियस नंबर ऑफ स्टॉप्स है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे कैसे स्टॉप्स है। एंड बस का रिव्यू तो आपने देख ही लिया है, उसमें हमने सब एक बंदा बिठा के दिखा दिया था आपको सीट। तो अभी हम अतुल से पूछते हैं कि सीट का कम्फर्ट उनको कैसा लगा। और यार, टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ है, पेट्रोल डीजल बस जो भी रहते थे पहले, इसमें नहीं था ये। दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हम आगे दिखाएंगे, लेग रूम बहुत ज़्यादा है। यस, अभी मैं कैमरा पलटी मार के आपको लेग रूम दिखाना चाहूंगा। तो लेट्स मूव टू दैट। एसी बस भी है। यस यस, क्या चीज है, एसी है, इलेक्ट्रिक है, एंड कुछ वाइब्रेशन। मैं एक बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक बसेस में एसी क्यों प्रीफर किया जाता है, बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो इसका रीजन एक ही है, अगर हम इलेक्ट्रिक बस में नॉन एसी करेंगे, मतलब ओपनिंग विंडोज करेंगे, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपने साइंस में पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें एयर कटिंग ज्यादा होगी। एयर कटिंग ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, ड्रैग बढ़ेगा बेसिकली, जिसकी वजह से रेंज इफेक्ट होगी। इसीलिए इन बसेस में एसी दिया जाता है, जिसकी वजह से सील्ड विंडोज आती है, एंड गाड़ी का जो रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कम रहता है, जिसकी वजह से एयर कटिंग कम करती है, एरोडायनामिकली बेसिकली, जिसकी वजह से रेंज ज़्यादा आती है। राइट, दैट्स द मेन रीज़न। तो ये बहुत लोगों का डाउट रहता है, वो आज हमने क्लियर कर दिया है। तो पूरा जर्नी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे लेग रूम की, आप देख सकते हैं ये अतुल का पैर है। इसमें आपको फ्रंट फेसिंग सीट बैठिंग दी है, मतलब ऐसे। तो यहाँ पर जब पैसेंजर्स बैठेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा हो जाएगा, बट अकेले ट्रैवल करने के लिए दोपहर के टाइम पे जब आप जाओगे, जब पैसेंजर सीट कम, भीड़ कम रहती है, तो लेग रूम ज़्यादा मिलेगा अभी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस बस के महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, यानी कि इसके चार्जिंग टाइम और प्राइस के बारे में। तो चार्जिंग टाइम के बारे में आपको बताएंगे अतुल सर। यस, तो दोस्तों ये गाड़ी चार्ज होने में लेती है 1.5 घंटा, और एक चार्जिंग में 170 से 180 किलोमीटर तक चल सकती है। यस, एंड ये जो चार्जिंग है सिस्टम, ड्यूअल गन चार्जिंग सिस्टम है, डबल गन से बस का चार्जिंग होता है 1.5 घंटे में, 180 किलोमीटर का रेंज प्रदान करती है, जो इनफ है यार पूरे सिटी में घूमने के लिए। दिन में 2 बार भी चार्ज करोगे तो इट्स अ प्रॉफिटेबल थिंग फॉर दिस NMMT। तो बात करें प्राइसिंग की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत लोगों व्यूअर्स का सवाल था। मैंने JBM से इसकी प्राइसिंग निकाली,
2 करोड़ के आसपास इसकी प्राइसिंग है, 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख रुपीज वो सिंगल यूनिट का प्राइस है। लेकिन कैसा होता है, जब कोई गवर्नमेंट एसटीयू ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बसेस लेती है तो दे बाय इन बल्क 100-150-200 गाड़ियां लेती है, जिसकी वजह से उनको जो इनिशियल कॉस्ट है लागत है वो कम लगती है सिंगल पीस से। जो सिंगल पीस लोगे तो भाई, और सिंगल पीस मेरे को नहीं लगता कोई लेगा इन दी एंड। अगर आप किसी इंडस्ट्री के ओनर हो, आपको स्टाफ ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, गेट टू गेट ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए लेंगे लोग, पर मेरे को नहीं लगता सिंगल पीस ज़्यादा लोग लेते होंगे। सो इट इज़ बल्क डील के दौरान जो है काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं एंड उस हिसाब से ये होता है। एंड बात करें नाम की, गाड़ी का नाम जानना है, गाड़ी का नाम है JBM Ecolife E12। दिस इज़ कॉल्ड E12 बिकॉज इट इज़ अ 12 मीटर बस, इसीलिए इसका नाम JBM Ecolife E12 है। इसकी एक छोटी बहन आती है जिसका नाम है E9, इट इज़ अ 9 मीटर बस, ब्लू कलर में आती है, फोटो आपको दिख जाएगा। तो वो शॉर्टर रूट्स पे चलती है विद इन द सिटी लिमिट्स, ये आउटर सिटी लिमिट्स में चलना है। आप देखें ना, नवी मुंबई की गाड़ी है, ठाणे में चल रही है और अभी हम हैं मुंबई में यानी कि मुलुंड में, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 सिटीज जो ये बस कवर कर रही है exactly. सिंगल रूट में भी 50 रुपीज़ के टिकट में, यार 50 रुपये के टिकट में आप लोकमान्य नगर से वाशी स्टेशन जा रहे हो। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको अंदाजा आ जाएगा कितना ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर रही है, ओनली ₹50। और आपको एसी कंफर्ट स्पेस सब मिल रहा है और ट्रैवल टाइम भी ज्यादा नहीं है भाई, एक घंटा, ट्रैफिक अगर होगी तो 1.5 घंटा, यू नो इट इज द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है NMMT का, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, काफी अच्छा लग रहा है देख के भाई, इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ते हुए कंपनीज को, और NMMT के खास आभार करना चाहूंगा। रिव्यू वीडियो के टाइम मुझे मिले थे NMMT के लोग वहाँ पे, काफ़ी बातें हमने की थी एंड उनको मैंने बोला था कि ज़रूर सर एक दिन मैं रूट कवर करूंगा, फाइनली आज हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों इस बस का जर्नी रूट कुछ इस प्रकार से है, शुरुआत होती है ठाणे के लोकमान्य नगर से, उसके बाद ज्ञानोदय विद्यालय, ज्ञान सरिता, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, इंदिरा नगर, अन्नाभा साठे चौक, वागले स्टेट सर्कल, MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, 16 नंबर रोड, MIDC, पासपोर्ट ऑफिस, वागले वार्ड कमिटी ऑफिस, ऑटोमेटिक कंपनी, महाराणा प्रताप चौक यानी कि मुलुंड चकनाका, म्युनिसिपल स्कूल, मुलुंड वेस्ट, महर्षि अरविंद चौक, मुलुंड रेलवे स्टेशन वेस्ट, मुलुंड कोर्ट, ओवरब्रिज, गावनपाड़ा, मुलुंड ईस्ट, म्युनिसिपल हॉस्पिटल, मुलुंड ईस्ट, मुलुंड रेलवे स्टेशन ईस्ट, हनुमान चौक, नवगर रोड, चैनानी एल्डर्स होम, मीठागर, मुलुंड ईस्ट, भांडुप पंपिंग स्टेशन, एरोली टोल नाका, एरोली सेक्टर 10, 16, 17, अभ्युदय बैंक, एरोली सेवरेज प्लांट, एरोली सेक्टर 4, एरोली बस स्टेशन जो कि एरोली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है, एरोली सेक्टर 4, एरोली सेक्टर 5, सहकार बाजार, रबाले पुलिस स्टेशन, रबाले नाका, रबाले रेलवे स्टेशन, गोठीवली विलेज, तळवली नाका, घनसोली नाका, घनसोली रेलवे स्टेशन, महापे नाका, MBP यानी कि मिलिनियम बिजनेस पार्क महापे, हेलन केळकर सोसायटी, तेरना इंजिनियरिंग कॉलेज, कोपरखेरने सेक्टर 2, रंजन देवी चौक, कोपरखेरने बस स्टेशन, शुभम पैलेस, RF नाइक स्कूल, समता नगर, मेगा मार्ट वाशी, कोपरी नाका सेक्टर 29, जुहू विलेज, समाज मंदिर हॉल, वाशी सेक्टर नंबर 10-15, सेक्टर नंबर 9, वाशी बस स्टेशन, नवरत्न होटल, उसके बाद अपना बाजार, सेंटर वन मॉल और फाइनल डेस्टिनेशन है वाशी रेलवे स्टेशन। काफ़ी सारे स्टॉप्स है जिसकी बदौलत लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत होती है, पैसेंजर्स को, जिनको जहाँ पे भी उतरना है वहाँ पर उतर सकते हैं, एंड इसकी बदौलत जो जहाँ तक ऑफिसेस तक या फिर कहीं पर जहाँ भी पहुँचना होता है उसकी वजह से काफ़ी सारे पैसेंजर्स को जो है सहूलियत हो जाती है, एंड रेट भी काफ़ी सस्ता है, यानी कि ठाणे के लोकमान्य नगर से लेकर वाशी के रेलवे स्टेशन तक 55 रुपीज़ का रेट है, और बीच बीच में अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पर उतरना हो तो 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ ऐसे कुछ इनके रेट्स है दोस्तों, तो काफ़ी किफ़ायती है पैसेंजर्स की जेब के लिए भी एज वेल एज टाइमिंग के लिए भी। अगर टाइमिंग की बात करें तो लोकमान्य नगर ठाणे यानी कि मेरे होम डेस्टिनेशन से लेकर वाशी रेलवे स्टेशन तक जो का टाइमिंग डिस्टेंस है इस गाड़ी का, अप्रॉक्सीमेटली मॉडरेट ट्रैफिक के साथ 1.5 घंटा ये बस लेती है, एंड 1.5 घंटा में आप लोकमान्य नगर ठाणे से वाशी रेलवे स्टेशन तक जो है इजीली पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे ये सिटी बस का जर्नी व्लॉग, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी अलग वीडियो था एंड कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि एक जर्नी व्लॉग बनाइए उस इलेक्ट्रिक बस रिव्यू वीडियो में, काफ़ी लोगों ने कहा था। अगर आपने उस इलेक्ट्रिक बस रिव्यू नहीं देखा है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल एट ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रैक्स। जय हिंद।